हालिया ब्लॉक सभागार में शनिवार को स्वच्छ ग्राहियों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों को शौचालय का प्रयोग करने को कहा तथा मानक की जानकारी दी गई। शौचालय के प्रयोग तथा रखरखाव की जानकारी भी दी गई। प्रोजेक्टर के माध्यम से स्वच्छ ग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया और दिखाया गया कि किस तरीके से शौचालय का प्रयोग किया जा सकता है। स्वच्छ ग्राहियों के पास वॉशरूम का नंबर न होने पर नाराजगी जताई गई। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी रमेश उपाध्याय ने कहा कि स्वच्छ ग्राहियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर शौचालय के प्रयोग एवं विधियों को समझाएं, उन्हें प्रेरित करें, शौचालय निर्माण के लिए मानक की जानकारी दें। स्वच्छग्राही शौचालय लाभार्थी को शौचालय का प्रयोग कराने के लिए उसके विधियों के बारे में समझाएं और लोगों को प्रेरित किया जाए। ब्लॉक मुख्यालय पर मौजूद हूँ। स्वच्छता अभियान के तहत आज हमारे जिले से चल के अधिकारी महोदय आए हैं। मैं पहले नाम पूछना चाहूँगा, सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद श्रीवास्तव है, मैं जिला कंसल्टेंट हूँ स्वच्छ भारत मिशन जनपद का, मैं देखता हूँ। जी सर, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है सर, इसका रखने का मुख्य उद्देश्य? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि जो स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, गाँव को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। ये व्यवहार परिवर्तन का मेन मुद्दा है, व्यवहार परिवर्तन का, क्योंकि जब तक व्यक्तियों के व्यवहारों परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी किसी भी चीज़ में सुधार नहीं हो सकता है। इसी के तहत विकासखंड हालिया के हर ग्राम पंचायतों में स्वच्छाग्रही रखे गए हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया था, उस